एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बांधनी स्पेशल कुर्तियाँ। वैसे तो आप सबको पता होगा ही क्योंकि आप थंबनेल देख के ही वीडियो ओपन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बांधनी प्रिंट कुर्तियाँ लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। प्लस बांधनी प्रिंट की कुर्तियों का क्या होता है, फैशन कभी भी आउट नहीं होता है। अब ओकेज़न आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप इन्हें कैसे भी वियर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है बांधनी प्रिंट की कुर्तियों की कि क्या है, इनके कलर है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल कुर्तियाँ होती है, लाइक वाइब्रेंट कलर्स होते हैं इनके, तो बहुत ही प्रिटी लगते हैं पहनने पे। या फिर आप अगर किसी को पहने हुए भी देखते हो ना तो भी आपका मन करता है कि यार ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वो इनके कलर्स ही इतने वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं ना कि पहने किसी को देख भी लो या फिर हम भी पहने तो बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात है सभी ओकेज़न में, सभी फेस्टिवल में आप उन्हें वियर कर सकते हो। मैंने कुछ सेलेक्ट किए बांधनी प्रिंट की कुर्तियाँ फ्रॉम Amazon, सभी बहुत ही ब्यूटीफुल है, अफोर्डेबल प्राइस में है। अब सेकेंड थिंग, आप इन्हें बाय कैसे करें। अगर आप बाय नहीं करेंगे, आपको बाय करना नहीं आएगा तो वीडियो देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाय करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे मैंने एक माई हॉल स्टोर के नाम से आपको एक ही लिंक दिया है। क्या है ये स्टोर, मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। इससे क्या होगा कि आपको एक स्टोर में सारे जो मैं कुर्ते आज शेयर कर रही हूँ वो एक ही स्टोर में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें परचेज कर सकते हैं। स्टोर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की इमेज निकल के आएंगी, यहाँ पे मेरी ही पिक्चर्स लगी होंगी और विद प्राइस कुर्तियों का नीचे लिखा होगा। यहाँ से आप आराम से कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये जो कुर्ता मैंने वियर किया हुआ है ये मुझे एक दो दिन पहले ही रिसीव हुआ है और रियली बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता है। ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया है फ्रॉम ब्रांड सांडरिया। सांडरिया बहुत ही अच्छा और फेमस ब्रांड है। यहाँ पे आपको इसके डिज़ाइन पैटर्न जो मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, वो यूनिक होते हैं एंड कलरफुल कुर्ता है। एंड आप देख सकते हैं, आप इन्हें किसी भी ओकेज़न फेस्टिवल में वियर कर सकते हैं। मैं इसका ट्राई ऑन साइड में अटैच कर दूंगी जिससे आप एक बार देख लें कि फुल लेंथ में वियर करने पे कैसा लगता है। और अगर आप इसे भी बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं है ना माई हॉल स्टोर में दे दूंगी, आप जाके वहाँ इसे भी बाय कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुर्तियाँ। जो फर्स्ट कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके की अनारकली कुर्ती है फ्रॉम ब्रांड ईशान, और काफ़ी ब्यूटीफुल अनारकली कुर्ता है बांधनी प्रिंट में। मैं आपको इसे ओपन करके बताती हूँ, देखो कुछ इस तरीके का इस पर नेट पे डिज़ाइन मिलेगा, फुल गोटा पत्ती का डिज़ाइन है, बहुत ही नीटली इन्होंने काम किया हुआ है। गोटा पत्ती का बांधनी प्रिंट मिलेगा एंड आप इसका कलर देखिए कितना ब्राइट है, कितना वाइब्रेंट कलर है। 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी इस तरीके से गोटा पत्ती लगाई हुई है इन्होंने। ये एक अनारकली कुर्ता है एंड सबसे अच्छी बात मुझे इस कुर्ते की लगी कि इसमें जो देखो इन्होंने आगे इस तरीके के टर्सल्स दिए हुए हैं और इन पर जो है सिक्वेंस लगाया हुआ है और यहाँ पर ये है जो थ्रेड्स लगाए हुए हैं। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने ज़्यादा अमेजिंग है ना। मतलब जितनी भी कुर्तियाँ मैंने परचेस किए टसल्स सब में आते हैं, लेकिन इस टाइप के टसल्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड ये एक कॉटन का जो है अनारकली कुर्ता है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसमें जो मैंने साइज़ परचेस किया है स्मॉल, इसमें XL और डबल XL तक का साइज़ आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, आप देख के परचेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर का अनारकली कुर्ता है एंड रियली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है किसी भी ओकेज़न में, किसी भी फेस्टिवल पे वियर करने पे। और ये जो टैसल्स हैं ये इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देंगे। तो फर्स्ट कुर्ता कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब जो सेकंड कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ्रॉम ब्रांड रतन। आप देखो ये भी कितना ब्यूटीफुल है, कुछ इस तरीके का ये वाला भी गोटा पत्ती की जो है नेक पे काम किया हुआ है। एंड ये जो पूरा कुर्ता है ऑरेंज वाइट और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो इस तरीके का कुर्ता है, ये कॉटन और रेयन मिक्स में है। इसमें जो मैंने साइज़ परचेस किया है वो है मीडियम, इसमें आपको XL और डबल XL तक का साइज़ मिल जाएगा। एक मिनट, इसमें मैंने स्मॉल परचेस किया है, इसमें मीडियम शायद इसमें स्मॉल साइज़ था नहीं इसलिए मैंने मीडियम परचेस किया, आप देख के परचेस कर लेना एक बार। एंड 3-4 स्लीव्स मिलेगी, फुल स्ट्रेट कुर्ती है ये, तो आप इसे पेयर अप कर सकते हो किसी भी वाइट पैंट के साथ, वाइट प्लाजो के साथ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा। एंड यहाँ पर इस तरीके का इन्होंने गोटा लगाया हुआ है पूरे पे और पूरी कुर्ती आपको प्लेन मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, इसमें राउंड नेक है एंड बहुत ही अच्छा जो है फैब्रिक है, बहुत अच्छा है समर्स के अकॉर्डिंग पहनने पे भी, और अगर आप किसी भी फंक्शन ओकेज़न में वियर करते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी ये वाली कुर्ती। एंड बैक साइड इसका बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा। अब जो थर्ड वन कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरीके की कुर्ती मिलेगी ये वाली,
ये एक स्ट्रेट कुर्ती है एंड यहाँ पे आप देखो फुल सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी ये की हुई है, ये पूरा जरी का काम किया हुआ है इस पर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है बीच बीच में एंड सीक्वेंस लगाए हुए हैं, जरी का काम किया हुआ। ये जो पूरी कुर्ती का लुक आएगा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा वियर करने के बाद, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड पूरी कुर्ती प्लेन मिल जाएगी, इसमें 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स के आगे इस तरीके से इसमें भी गोटे लगाए हुए हैं। एंड इसका जो मेन पार्ट है वो है इसकी नेक, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। एंड इसका जो इन डिज़ाइन किया हुआ है काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छे से एंड नीटली की हुई है, जरी का काम बहुत अच्छे से किया हुआ है, कहीं भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके के ये वाला कुर्ता मिलेगा। इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो 36 नंबर परचेज़ किया है। मैं एक बार स्क्रीन पर डाल दूँगी मैंने कौन सा साइज़ परचेज़ किया है, मुझे याद नहीं है, शायद स्मॉल या मीडियम में से कोई साइज़ है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो इस तरीके की स्ट्रेट कुर्ती मिलेगी। फैब्रिक की बात करते हैं तो ये वाला फैब्रिक है कॉटन और रेयन मिक्स में फैब्रिक है। अब जो लास्ट वन कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है टील कलर में और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इसमें एक और कलर था रेड वाला, पर रेड ऑलरेडी मैंने दो कुर्तियाँ शेयर कर दी है आपके साथ, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग कलर लेके आती हूँ इसमें, तो मैंने टील कलर परचेज़ किया और काफ़ी ब्यूटीफुल है ये वाला कलर भी। तो इस तरीके की ये वाली कुर्ती है, ये स्ट्रेट कुर्ती है एंड आप इसका डिज़ाइन देखो आप एक बार, कितना ब्यूटीफुल है। इसका ब्रांड प्रॉम ब्रांड तवस्या से है, तवस्या की कुर्ती शायद मैंने पहले शेयर की हुई है। इनके डिज़ाइन उनके पैटर्न काफ़ी अच्छे आते हैं और सबसे अच्छी बात है फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन में है ये कुर्ती एंड इस तरीके का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे गोटा लगाया हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे से एम्ब्रॉयडरी में मिरर्स लगाए हुए हैं, ये प्लास्टिक मिरर हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल नेकलाइन है, आप देखो कितना ब्यूटीफुल कुर्ता है। बैक साइड बिल्कुल प्लेन मिलेगा एंड इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो किया है स्मॉल साइज़ परचेज़ किया है। इसमें भी आपको एक्सेल और डबल एक्सेल तक का साइज़ अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, देख के परचेज़ करना। तो कुछ इस तरीके का इस पर बांधनी प्रिंट किया हुआ है साइड में, देखो आपको फुल प्रिंट बताती हूँ, पूरे पे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल कुर्ती है ये वाली भी, कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। चारों कुर्तियाँ मैंने शेयर की है, काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, ज़रूर से ज़रूर बाय करना इस ओकेज़न में, काफ़ी अच्छी रहेंगी फेस्टिवल्स में आने वाले में। एंड सबसे अच्छी बात अफोर्डेबल प्राइस में है और कभी भी इनका फैशन जो है आउट नहीं होता, आप उन्हें कैसे भी किसी भी डे में किसी भी ओकेज़न में कैसे भी वियर कर सकते हैं। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स है, कलरफुल कुर्ती है, तो ज़रूर बाय करना। तो इस तरीके की ये वाली कुर्ती मिलेगी। तो गाइज़ आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इस तरीके के हॉल अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। और कोई भी ड्रेसेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना और कौन सी कुर्ती इनमें से ज़्यादा अच्छी लगी, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।